अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई अपडेट यूट्यूब ने निकाली है। सुबह सुबह मैंने चेक की है तो मैंने कहा मैं आपको बताता चलूं फौरी तौर पे। बहुत अच्छी अपडेट्स हैं, फ़ायदेमंद अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट मैं बगैर आपका वक्त ज़ाया किए बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली अपडेट में यूट्यूब ने जो किया है वो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग में जब आप जाएँगे ना, क्यू एंड ए की ऑप्शन उन्होंने रख दी है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कोई क्यू एंड ए कोई क्वेश्चन आंसर्स करना चाहे तो वो आपको क्वेश्चन करेगा और आपके पास वो उसका जो मैसेज क्वेश्चन हुआ है ना वो पिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहे होते हैं ना, कोई आपको कमेंट्स पहले करता था तो वो कमेंट्स ऐसे ऊपर को मूव करते रहते थे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पिन हो जाएगा, सामने आपको नज़र आता रहेगा। इस तरीके के साथ आप जितनी भी लंबी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे आपको सवाल नज़र आता रहेगा, आप आसानी के साथ सवाल पढ़ के उसका जवाब दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से पिन करके भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड वन थिंग इज बिग अपडेट, वो ये है कि अब कोई भी बैड कमेंट्स करता है तो पहले हम क्या करते थे, या उसके कमेंट्स को ब्लॉक कर देते थे या डिलीट कर देते थे, ये हमारे पास ऑप्शन थी। अभी क्या होगा, अभी YouTube ने ये अपडेट दी है कि कोई आपको बैड कमेंट्स करे, आपको किसी का कमेंट्स अच्छा नहीं लगता तो आप उसको फौरी तौर पे हाइड कर सकते हैं, आपको कमेंट्स हाइड की ऑप्शन मिला करेगी। अब कमेंट्स हाइड की ऑप्शन मिलने का हमें फ़ायदा क्या होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम किसी के बैड कमेंट्स को हाइड कर देंगे तो उसको यही लगेगा कि मैंने कमेंट्स किया हुआ, उसको नज़र आता रहेगा ये मेरा कमेंट्स हुआ, लेकिन आगे किसी और को नज़र नहीं आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो कमेंट्स करेगा उसका कोई भी कमेंट्स नेक्स्ट भी आएगा तो वो हाइड ही शो होगा, मतलब कि उसके चैनल से कमेंट्स हाइड हो जाएगा। और तीसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि यूट्यूब हैंडल अभी निकाला था यूट्यूब ने रिसेंट ही, तो चैनल अभी क्या करने लगा है, यूट्यूब के जो यूट्यूब हैंडल है ना इसको प्रमोट करने लगा है। मतलब पहले हम किसी को कोई चीज़ मेंशन करते या बताते थे तो उसके चैनल के नाम से बताते थे, यूट्यूब जो है चैनल के नाम को ज़्यादा प्रेफरेंस करता था, लेकिन अभी यूट्यूब अपने हैंडल को प्रेफरेंस करने लगा है। मतलब आपके चैनल का जो हैंडल है कि कोई भी आप किसी भी चीज़ को मेंशन करेंगे या किसी के साथ किसी को शो करवाएंगे तो उसमें उसके चैनल के नाम के बजाय यूट्यूब हैंडल यूज़ हुआ करेगा। तो ये बड़ी अच्छी तीन बिग अपडेट्स थी। इसके अलावा मुझे काफ़ी दोस्तों ने, मैंने लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें तुर्की जाने का वीज़ा खुद अप्लाई करने का तरीकेकार बताया था, अनातोलिया के ऑफिस जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको 23,000 का वीज़ा मिल जाता था तुर्की का। तो दोस्त जो थे वो जंटों के हाथों लुटते रहते थे, 35,000 40,000 50,000 में वीज़ा लगवाते थे। तो दोस्तों ने कहा सर हमें जो है ना शंजन वीज़े का भी तरीकेकार बताएं, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना वो इंशाल्लाह शंजन वीज़ा आप खुद कैसे लगा सकते हैं और सिर्फ $80 में लगा सकते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 18,000 रुपये में शंजन वीज़ा आपको मिलेगा, और किस कंट्री का लगाएंगे, कौन सी रिफ्यूजल रेशो कम होगी जो आपको ईजिली वीज़ा मिलेगा, ये मैं आपको बताऊँगा। आप 25 लाख 30 लाख 40,000 ज़ाया करते हैं यूरोप में जाने के लिए। और इस तरह ही नेक्स्ट मेरी जो कल या आज शाम तक या कल या परसों तक एक दो दिन में वीडियो आने वाली शंजन वीज़े पे आने वाली है, और कनाडा में बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हैं उसका मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपने उन जॉब्स में किस तरह अप्लाई करना और वहाँ पे सैलरी कितने लाख आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में बनेगी, कैसे आप आसानी के साथ कनाडा जा सकते हैं। मैं किसी की भी वीडियो देखूँ तो मैं उसको लाइक कमेंट्स भी करता हूँ, सब्सक्राइब लाजमी करता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में अच्छा सा कमेंट्स और लाइक कर दिया करें। तो नेक्स्ट मेरी आने वाली दो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लिहाजा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।